डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि लैब में बने एक वायरस ने अधिकतर आबादी को खत्म कर दिया है और जो बचे हैं वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। वहीं आगे सैन फ्रांसिस्को के जंगलों में एक वन मानुषों के समूह को दिखाया जाता है जो हिरणों के शिकार पर निकले होते हैं। दिन भर के शिकार के बाद ये सभी अपने ठिकाने पर वापस लौट जाते हैं। अगले सुबह दो वानर एक पास की ही नदी में मछली पकड़ने जाते हैं। कुछ समय बाद जब वो मछलियां लेकर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी उनके सामने कुछ इंसान आ जाते हैं। दोनों वानर डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। इन इंसानों में भी एक इंसान डर कर अपनी गन निकाल लेता है और उनमें से एक वानर को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वानरों के कबीले से वानरों का मुखिया सीजर अपने लोगों के साथ उस तरफ भागता हुआ आता है। वहां पहुंचकर जब वो एक वानर को घायल देखता है तो गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो इन्हें मारता नहीं। वो इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये लोग भी बिना समय गंवाए यहाँ से निकल जाते हैं। सीजर को इंसानों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उनके यहाँ आने का मकसद जानने के लिए अपने कुछ लोगों को उनके पीछे भेजता है। अब तक वो लोग जो जंगल से निकले होते हैं शहर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इनमें से एक मैलकम अपने लीडर ड्राफस से बताता है कि डैम तो ठीक है और अगर उस पर काम किया जाए तो एक हफ्ते के भीतर बिजली देना शुरू कर देगा, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है। वहाँ बोलने वाले वानर रहते हैं जिनमें से एक को हमारे एक साथी ने गोली मार दी। ड्राफस कहता है, देखो जब तक हम तय ना कर लें हमें क्या करना है, ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई हंगामा हो। वहीं वो कुछ वानर जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वापस लौटकर अपने लीडर सीजर से कहते हैं कि हमें उनके ऊपर हमला करना होगा इससे पहले कि वो हम पर हमला कर दे। दरअसल इन्हें लग रहा होता है कि इंसानों ने इनके वजूद को देख लिया है तो वो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। सीजर हमला करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है, अगर हमने जंग छेड़ी तो सब कुछ खत्म हो सकता है, घर परिवार भविष्य सब कुछ। लेकिन इसी कबीले का एक वानर कोवा उसके बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो हर हाल में युद्ध चाहता है। इसकी वजह यह होती है कि उसे सालों तक इंसानों ने कैद करके रखा, उस पर कई सारे प्रयोग किए, उसे काटा छाटा और अब वो उनसे बदला लेना चाहता है। अगली सुबह सीजर अपने सैकड़ों वानर साथियों के साथ इंसानों के ठिकाने पर जाता है और चेतावनी देता है कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। जाते जाते वो इनसे कह जाता है कि जंगल की तरफ दोबारा मत आना। अब इतने सारे वानरों को देखकर उनके धमकी को सुनकर यहाँ मौजूद सभी सर्वाइवर्स डर जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। ड्रेफस इन सभी भड़के हुए सर्वाइवर्स को भरोसा दिलाता है कि वो सुरक्षित हैं। वो इनको कहता है कि अगर उन्हें हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। अभी सर्वाइवर्स किसी तरह से शांत जरूर हो जाते हैं लेकिन भीतर भीतर ड्रेफस भी डरा हुआ होता है। उसके सामने दो बड़ी समस्याएं होती हैं, पहली अपने लोगों की सुरक्षा, दूसरी बिजली जिसे पाने का बस एक ही तरीका है, उन वानरों के इलाके में मौजूद हो डैम। ड्राइवर्स फैसला करता है कि वो अपने लोगों के साथ वानरों के इलाके में घुसकर उन पर हमला करेगा, लेकिन उसी का एक साथी मैलकम ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि अगर जंग हुई तो जाने दोनों तरफ की जाएंगी, खून दोनों तरफ का बहेगा। इसलिए वो तय करता है कि वो जंगल जाकर वानरों से बात करेगा। कुछ देर बाद जब वो निकल रहा होता है तो उसकी दोस्त एली, जो उससे प्यार भी करती है, उसके पास आकर उसे समझाती है कि वो वहां ना जाए, वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैलकम कहता है कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो जंग हो जाएगी। एली भावुक होकर कहती है, तो मुझे भी साथ ले चलो, अगर कोई घायल होगा तो मेरी जरूरत पड़ेगी। एली पेशे से डॉक्टर होती है। मैलकम कहता है, नहीं मैं चाहता हूं तुम यहीं रुककर एलेक्स का ख्याल रखो। एलेक्स मैलकम का बेटा होता है जो यहीं से गुजरते हुए इनकी बातें सुन लेता है। एलेक्स भी इनके साथ चलने के लिए कहता है। मैलकम पहले तो मना करता है, फिर सभी उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर मैलकम सबको गाड़ी में रोककर खुद अकेला वानरों के ठिकाने की तरफ निकल जाता है। रास्ते में कुछ वानर उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर सीजर के पास जाते हैं। इन सभी को लगता है कि वो इनके ऊपर नजर रखने के लिए आया है। मैलकम इनको समझाता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, बस वो कुछ दिखाना चाहता है। सीजर तैयार हो जाता है और अपने साथियों के साथ मैलकम के पीछे डैम तक जाता है। मैलकम उसे बताता है, इसे जल शक्ति यंत्र कहते हैं, हम यहाँ बिजली बनाकर शहर तक भेजना चाहते हैं। मेरे आने का भी बस यही एक कारण है, ये तुम्हारा घर है, इसे मैं तुमसे छीनना नहीं चाहता। सीजर एक शर्त के साथ तैयार हो जाता है, वो जो भी हथियार लाए हैं उन्हें देना होगा। अब ये लोग डैम को ठीक करने के काम में जुड़ जाते हैं। सीजर भी इनकी मदद करता है। इन्हें काम करते करते शाम हो जाती है। डैम को ठीक होने में अभी भी कुछ दिनों का समय लगने वाला होता है, इसलिए ये वहीं पास में कैंप लगाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो एक हादसे में इन सभी को चोट लग जाती है। सीजर इन सभी को डैम के बाहर निकालता है। ये लोग वहीं अपनी मरहम पट्टी करने लगते हैं। इसी दौरान सीजर का एक छोटा सा बेबी इनके सामान से खेलने लगता है।
खेलते खेलते उसे इनके सामान में एक गन मिल जाती है, जिसे सीजर भी देख लेता है और कहता है, कहा था ना हथियार नहीं। और अब वो इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये सभी अपना सामान पैक करने लगते हैं। मैल्कम एक बार फिर से सीजर से बात करने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाता है। एली भी उसके पीछे जाती है। वहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि सीजर की वाइफ बीमार है। एली सीजर से कहती है, ये बीमार है, मेरे पास दवाइयाँ हैं, अगर तुम चाहो तो हम मदद कर सकते हैं। सीजर भी इनकी मदद के बदले उन्हें काम पूरा होने तक का वक्त दे देता है। इसके कुछ समय बाद इसी कबीले का एक वानर कोबा शहर से वापस लौटकर सीजर के बेटे से पूछता है, सीजर कहाँ है। सीजर का बेटा बताता है, वो इंसानों के साथ डैम पर है। कोबा गुस्से में वहां जाकर सीजर को बुरा भला बोलने लगता है। वो सभी वानरों को भड़काने लगता है कि सीजर को तुमसे ज्यादा इंसानों से प्यार है। सीजर को भी गुस्सा आ जाता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते रहते कोबा बुरी तरह से घायल हो जाता है। सीजर उसे छोड़ देता है और कोबा उसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। इसी शाम कोबा सीजर के बेटे को मैल्कम, उसके साथियों और सभी इंसानों के खिलाफ भड़काता है। वो उससे कहता है, जब तक इंसान यहाँ है मुझे तुम्हारे पिता के जान की चिंता है। सीजर का बेटा भी उसके बहकावे में आ जाता है। अगले सुबह जब मैल्कम और उसके साथी डैम पर काम कर रहे होते हैं तो वहीं कोबा अपने कुछ साथियों के साथ शहर की तरफ निकल जाता है। वहां वो कई सारे इंसानों को मार देता है और कई सारे हथियार लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उसे जंगल तक आते आते शाम हो जाती है। वहीं इधर डैम भी शुरू हो जाता है। सीजर एली, मैल्कम और उसके बेटे एलेक्स को लेकर अपने घर जाता है। उसका घर ऊंचाई पर होता है जहां से शहर को साफ देखा जा सकता है। सीजर उनको शहर की तरफ इशारा करके दिखाता है जो बिजली की रोशनी में चमक रहा होता है। वहीं कोबा एक पेड़ के पीछे घात लगाकर बैठा होता है। मौका देख वो सीजर को गोली मार देता है। इसके बाद वो सभी वानरों के बीच ये बात फैला देता है कि सीजर को इंसानों ने मारा। और अब वो सभी वानरों को उकसाता है कि उन्हें सीजर की मौत का बदला इंसानों से लेना होगा। वहीं एली, मैल्कम, उसका बेटा एलेक्स अभी भी यही होते हैं। यही के एक फीमेल वानर उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहती है। ये सभी तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें भागता हुआ कोबा देख लेता है जो इनके पीछे कई सारे वानरों को भेद देता है। ये वहीं एक पास के चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। वानर इन्हें देख नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं अगले दिन बिजली आने की खुशी में सभी पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही इनकी खुशियाँ मौज मस्ती अफरा तफरी में बदल जाती है। झुंड के झुंड वानर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। ये लोग भी अपने हथियारों के बलबूते घंटों तक उनका सामना करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे इंसानों को मार देते हैं, हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं और औरतें बूढ़े बच्चों को बंदी बना लेते हैं। वहीं अगले दिन जंगल में एली, मैल्कम और एलेक्स को सीजर मिलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। ये लोग उसे उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। मैल्कम इनसे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कार्वर को बंदूक मिली कहाँ से और उसने ऐसा क्यों किया। वहीं अगले दिन जंगल सीजर कहता है, वानर ने ऐसा किया। मैल्कम को पूरी बात समझ में आ जाती है। ये एक साजिश थी इंसानों और वानरों के बीच युद्ध कराने की। अब वो सीजर को लेकर शहर की तरफ बढ़ता है क्योंकि वही एक ऐसा है जो इस युद्ध को बंद करवा सकता है। कुछ समय तक ड्राइव करने के बाद ये लोग शहर तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ इन्हें एक ऐसे सुरक्षित ठिकाने की जरूरत होती है जहाँ सीजर का इलाज किया जा सके, उसे उसके ठीक होने तक महफूज रखा जा सके। ये सभी ऐसे किसी जगह को तलाश ही रहे होते हैं कि सीजर इन्हें एक घर की तरफ इशारा करता है। ये घर एक विशाल पेड़ के पीछे होता है जो थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा होता है। ये तीनों उसे लेकर उस घर में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोबा सभी वानरों को डरा धमका कर उनका नया लीडर बन जाता है। जो उसकी नहीं सुनते या तो वो उन्हें मार देता है या बंदी बना लेता है। ऐसा वो इंसानों के साथ भी करता है। जो उसकी गुलामी के साथ राजी नहीं होते वो उन्हें मार देता है। वहीं खड़ा सीजर का बेटा बेबूज मानसिकता के साथ ये सब देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इंसानों के खिलाफ गलत कर रहा है या अपने पिता का बदला लेने के लिए सही कर रहा है। इन्हीं विचारों में डूबा उसकी नजर उसके पिता के वफादार साथियों पर पड़ती है जिन्हें कोबा ने बंदी बनाया होता है। इनमें से एक लेडी वानर इशारों में उसे समझाती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। सीजर का बेटा यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ उसे मैल्कम दिखाई पड़ता है जो सर्जरी के टूल्स लिए इधर उधर छिप रहा होता है। सीजर का बेटा पहले तो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन उसके मना करने पर वहां से जाने लगता है। मैल्कम उसे रोकता है और उसे बताता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। ये दोनों उस घर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर मैल्कम सर्जरी के टूल से एली को दे देता है जो सीजर का ऑपरेशन करके उसके सीने से गोली को बाहर निकाल देती है। कई घंटे बाद जब सीजर को होश आता है तो उसका बेटा वहीं उसके पास बैठा होता है। बाकी सभी बाहर होते हैं। सीजर का बेटा उससे अपनी हर एक गलतियों के लिए माफी मांगता है। सीजर उसको समझाता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो मैंने कोबा को एक वानर समझकर उस पर भरोसा किया। वो अपने बेटे से पूछता है, कोबा कहाँ है। उसका बेटा बताता है, इंसानों के टावर पर।
डर के मारे सभी वानर उसकी तरफ हो गए। जो उसके खिलाफ है उसने उन्हें बंदी बना लिया है। सीजर का बेटा विश्वास भरे शब्दों में उससे कहता है, लेकिन अगर वो आपको जिंदा देखेंगे तो आपकी तरफ हो जाएंगे। सीजर कहता है, पर मैं कमजोर हूँ। वानर हमेशा मजबूत डाल चुनता है। सीजर का बेटा उससे कहता है, मैं मदद करूंगा पिताजी। इसके बाद वो सबसे पहले अपने पिता के वफादार साथियों को छुड़ाता है। साथ ही वो वहीं पर बहुत से इंसानों को भी आजाद कर देता है। अगली सुबह सीजर जल्दी ही जग जाता है। वो घर में मौजूद सभी चीजों को बहुत ही गौर से देखता है, जैसे वो अपनी पिछली यादों को ताजा कर रहा हो। उसे पास के टेबल पर पड़ा एक पुराना कैमरा मिलता है, जिसमें एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड होती है। सीजर उसे देखते देखते भावुक हो जाता है। इस वीडियो में एक आदमी होता है जो एक छोटे से वानर को बोलना सिखा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। ये मैल्कम होता है। मैल्कम कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। 2 दिन हो चुके हैं, तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। आगे उससे उस वीडियो के बारे में सवाल करता है, उस वीडियो में वो आदमी कौन है। सीजर कहता है, तुम्हारे जैसा एक नेक इंसान। तभी बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। वो दोनों खिड़की से नीचे देखते हैं। ये सीजर के साथी और उसका बेटा होता है। सीजर नीचे जाके उन सब से मिलता है। वो सीजर को बताते हैं कि कोबा ने औरतों और बच्चों को शहर में बुलाया है। सीजर भांप लेता है कि कोबा कुछ बहुत ही गलत करने वाला है, इसलिए वो इन सबको और मैल्कम को लेकर उसकी तरफ उसे रोकने के लिए निकल जाता है। ये लोग एक टनल के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कुछ इंसान इनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। ये पास में ही छुप जाते हैं। उस तरफ से एक आदमी पूछता है, तुम इंसान हो तो पहले ही बता दो। मैल्कम कहता, हाँ मैं हूँ मैल्कम। सबसे पहले वो सीजर उसके बाकी साथियों को दूसरे रास्ते से बाहर भेज देता है, क्योंकि इस जंग के दौरान किसी को शांति की बात समझ में नहीं आती। अब मैल्कम उनके सामने जाता है। वो लोग मैल्कम को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इन लोगों में इनका लीडर ड्रेफस भी होता है, जो मैल्कम को अपने साथ ले जाकर कुछ बॉम्ब के सेटअप्स को दिखाता है। ये बॉम्ब उसी टावर के ऊपर लगे होते हैं जहाँ कोबा उसके समर्थक वानर होते हैं। ड्रेफस कहता है, इससे हम एक झटके में सब खत्म कर देंगे। मैल्कम काफी देर तक बैठा सोचता रहता है, फिर वहीं पड़ी एक गन उठाकर कहता है, ड्रेफस मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, हमें उसे एक और मौका देना होगा। वो अभी वहां ऊपर गया है। वहीं सीजर अब तक ऊपर पहुंच जाता है। कोबा उसे देखकर खिसियाते हुए कहता है, अब सीजर की यहाँ कोई जरूरत नहीं, कोबा वानरों का नया मुखिया है। सीजर आखिर में कहता है, तुम इंसानों से युद्ध कराओगे। और अब वो इस जंग को रोकने के लिए कोबा से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ नीचे मैल्कम ड्रेफस को समझा रहा होता है कि वो वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जिंदा रहना। ड्रेफस कहता है, वो जानवर हैं, उन्होंने हम पर हमला किया। मैल्कम कहता है, क्योंकि उन्हें लगा कि हमने उनके लीडर को मारा है। लाख समझाने के बावजूद भी ड्रेफस बॉम्ब्स को फोड़ देता है, जिससे एक ताकतवर विस्फोट होता है और टावर ढहने लगता है। बहुत सारे वानर मारे जाते हैं, बहुत सारे घायल हो जाते हैं। सीजर घायल वानरों की मदद करने लगता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कोबा एक गन लेकर उसकी तरफ फायर करने लगता है, जिसमें वो तो बच जाता है पर कई सारे वानर मारे जाते हैं। अब बात हद से बाहर की हो जाती है, इसलिए सीजर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और इस टावर से नीचे ढकेल देता है। कोबा तो मारा जाता है, साथ ही सीजर अपने वसूलों के खिलाफ एक सबक लेता है। चाहे वानर ही क्यों ना हो, गलत गलत होता है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अंत में दिखाया जाता है कि मैल्कम सीजर के पास जाता है और उसे उसके लोगों के साथ यहाँ से जल्द निकल जाने के लिए कहता है। वो बताता है, इंसानों ने दूसरी जगहों पर बात करके फौज बुलाई है। सीजर जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है, जंग पहले वानरों ने शुरू की, इंसान कभी माफ नहीं करेगा। वो मैल्कम से माफी मांगते हुए कहता है, तुम जंग शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाओ। मैल्कम भावुक होते हुए कहता है, मुझे लगा हम शांति कायम कर सकते थे। सीजर भी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे भी लगा था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और जाते जाते हमें एक स्ट्रॉन्ग सीख दे जाती है, पूरी इंसानियत बुरी नहीं है, निर्भर हम पे करता है कि किन्हीं दुर्लभ परिस्थितियों में हम उनसे क्या सीख लेते हैं। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पे इसने कमाई की थी $710.6 मिलियन की। जाते जाते आपसे एक बात कह दूं, हर फिल्म की एक खास बात होती है जो उसे देखने से ही समझ में आती है। और हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आप एक बार इसे जरूर देखें। उम्मीद करते हैं